हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति हैं। नारी को अबला ना समझें, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे 90.4 हाफ लेमन रेडियो। ये चटपटा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष हैं आकांक्षा समिति की, जिलाधिकारी आजमगढ़ की पत्नी भी हैं। और आज की जो बात है वो सिर्फ नारी शक्ति की बात होती है। हमारा कार्यक्रम शुरू है नारी संघर्ष और सफलता। तो एक नारी जहाँ शुरुआत एक छोटी बच्ची से होती है, जहाँ तक समाज में हमने देखा है कि एक बच्ची के जन्म होते ही चेहरे पर शिकन आने लगती है, वो बच्ची अपने आप को कैसे ग्रूम करती है, कैसे पहुंचती है सफलताओं की सीढ़ी, कैसे चढ़ती है, शुरू करने जा रहे हैं कहानी आपके लिए। तो बहुत उम्मीद है न सिर्फ बच्चियां बल्कि उनके पेरेंट्स भी हम चाहते हैं कि इसे बड़ा गौर से सुने और सोचे कि आखिर उनकी बच्ची के इस जहान में आने का मकसद क्या है, उस मकसद को पूरा कैसे करें। आप इस स्टोरी को सुने। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति, और जैसे कि हमने बताया कि आजमगढ़ जिला अधिकारी जो हैं उनकी पत्नी भी हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से, आपके रेडियो के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे, आपका समय अच्छा रहे और आप सब बहुत आगे बढ़ें, जिंदगी में खुशहाल रहें। हाँ, आजमगढ़ कैसा लगा आपको? आजमगढ़ मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग? आजमगढ़ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। एक्चुअली आजमगढ़ अलग तरीके का, एक अलग तरबियत का शहर है, बट मेरा आजमगढ़ से काफी पुराना नाता रहा है। मेरे फादर यहीं चंदेसर के पढ़े हुए हैं और जब वो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बने तो उनकी पहली पोस्टिंग आजमगढ़ में ही थी। और मेरे फादर इन लॉ भी 1977 से 79 तक यहीं रहे एज डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी। तो मेरे हस्बैंड की जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन है, पढ़ाई की शुरुआत इसी शहर से हुई है। फिर मेरा भाई भी यहाँ पर 2009 से 11 तक एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट पोस्टेड रहा। तो मेरे लिए आजमगढ़ कभी भी नया नहीं रहा, वो इट वॉज लाइक एन होम कमिंग कि मैं वापस एक जगह जा रही हूँ जहाँ पर मेरे जान पहचान के बहुत से लोग हैं, मेरे पास बहुत सी यादें हैं। और यहाँ आने के बाद स्पेशली मेरे ससुर साहब और मेरे फादर के बहुत से दोस्त हैं, उनके जान पहचान के लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि हम उन्हें जानते थे, उनके साथ काम किया, और ऑब्वियसली उनकी कहानियाँ भी मैंने अपने पेरेंट्स से और अपने फादर इन लॉ से सुनी थी। तो वो एक कनेक्ट था, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे यहाँ रिसीव किया और उन्हें बहुत खुशी रही कि हम यहाँ हैं। तो आजमगढ़ मेरे लिए हमेशा, इट इज ऑलवेज सो प्लेजेंट टू बी हियर। तो आजमगढ़ समझ लीजिए आपकी ही कहानी है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी भी बच्चियां हमें सुन रही हैं, उनके पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन ले, प्रेरणा ले, क्योंकि जिंदगी है ना प्रेरणा से आगे बढ़ती है, कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो कुछ ऐसी ये कहानी आपको साबित हो, हम यही कोशिश करते हैं और यही हम प्रार्थना भी करते हैं। तो मैम आपके बचपन से ही शुरू करते हैं जी। जैसे कि बताया आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो बहुत स्ट्रांग है, तो पूरी उम्मीद है मुझे कि एजुकेशन पर बहुत ही फोकस रहा होगा। जी, शिक्षा बहुत जरूरी है और बेटा और बेटी दोनों के लिए जरूरी है, ये हमेशा से इस चीज का ख्याल हमारे घर में रखा गया। और ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स का, बट मैं इस मामले में अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे दादा इस चीज के बहुत बड़े प्रवर्तक थे कि महिलाओं को पढ़ना चाहिए। जब मेरी माँ शादी करके आई तो वो इंटर करके आई थी और मेरे बाबा ने उनको कहा, पुश किया, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो जो उस वक्त का 1970 के दशक का जो समय था, तो क्या जरूरत है पढ़ने की, कौन सी नौकरी करनी है। तो और ये बात मेरे ननिहाल के लोगों ने भी कही कि क्या जरूरत है पढ़ने की। तो मेरे बाबा ने कहा कि एक पढ़ी लिखी महिला ही एक अच्छा परिवार और एक सुसंस्कृत संतान को पाल सकती है। तो मेरी माँ को उन्होंने कहा कि तुम्हें आगे पढ़ना है और नौकरी करो या ना करो ये तुम्हारा अपना चुनाव है, मगर पढ़ाई जरूरी है। तो इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि मतलब मेरे परिवार में पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा माहौल रहा और बहुत अच्छा साथ सबने दिया पढ़ने को लेकर।
एक चीज आपने बहुत अच्छी कही कि मतलब पढ़ाई एजुकेशन जो भी है वो लड़का लड़की नहीं देखता, आपके परिवार में ऐसा नहीं हुआ, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे लगता है कि इस समाज के हर परिवार में ये होना चाहिए कि पढ़ाई के मामले में ये डिफ्रेंशिएट ना करें कि लड़की है तो कम पढ़ाएं, लड़का है तो ज्यादा पढ़ाएं। तो उस वक्त जब आप पढ़ रही होंगे तो कहीं कोई ना कोई ऐसा मिला होगा आपके फ्रेंड सर्कल में या कॉलोनी में जहां भी आप रह रही होंगे जिनको बच्चियों को बहुत तवज्जो नहीं दिया जा रहा होगा, तो उसको क्या फील होता होगा? नहीं, हमारे यहाँ बहुत मतलब क्लोज रिलेटिव्स में भी ऐसे लोग थे जहाँ पर बेटे और बेटी की परवरिश में फर्क था। बेटों को कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजा जाता था और बेटियां सरकारी स्कूल में जाती थीं या ऐसे स्कूल्स में जाती थीं जहाँ पर फीस कम है और पढ़ाई का लेवल उतना अच्छा नहीं है। बट मेरे पेरेंट्स का हमेशा ये रहा कि बराबर का दर्जा देना है, दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएंगे। तो उस वक्त मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता था कि पेरेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स को मेरा मैसेज वही है जो मतलब मेरी जिंदगी का मैसेज है कि कभी भी बच्चे की परवरिश में और खासकर दो चीजों में, उसकी सेहत और उसकी शिक्षा में, कभी भी कोई भेदभाव मत कीजिए और कोई कॉम्प्रोमाइज भी मत करिए। आप अपनी बेटी को 10 कपड़े मत बनवाइए, मगर उसका खुराक बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए और उसकी शिक्षा पर हमेशा आपका ध्यान होना चाहिए। हो सकता है एक समय रहे जब आपको लगे कि बच्चा जैसा आप चाहते हैं वैसा पढ़ाई में परफॉर्म नहीं कर रहा है, मगर बच्चे ट्रॉफी नहीं है दिखाने के लिए। बच्चे ने एक बार बहुत अच्छा नहीं किया तो हम उससे अगला मौका छीन नहीं सकते। दुनिया हमें हमारे कैलिबर पर जज करती है, केवल ईश्वर और माता पिता हमारे हारने के बावजूद भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो माता पिता को कभी भी किसी बच्चे को क्योंकि वो अच्छा नहीं कर पाया इसलिए छोड़ देना, ये गलत है। उनकी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि जब तक वो हैं तब तक उनका बच्चा जो आज है उससे बेहतर कल बने। दुनिया भले ही आपके लिए जजमेंटल हो जाए लेकिन एक पेरेंट्स होते हैं, माता पिता ही होते हैं जो आपकी असफलताओं में भी आपके साथ होते हैं। तो जब माता पिता अपने बच्चों का इस कदर केयर करते हैं तो फिर अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने में पीछे क्यों रह जाते हैं? 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल और हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है श्रीमती अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति आजमगढ़। नारी शक्ति से जुड़ी हुई एक कार्यक्रम जो हमने आरंभ किया है, नारी संघर्ष और सफलता, इसको कामयाब, इसको सक्सेस बनाने के लिए आपके साथ की जरूरत है। बने रहिए हमारे साथ 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। भाई ठंडी गर्मी या हो बरसात, हमेशा निभाएगा आपका साथ 90.4 हाफ लेमन, ये चटपटा है। हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति हैं। नारी को अबला ना समझें, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे। वेलकम बैक टू 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। कार्यक्रम है नारी संघर्ष और सफलता। ये नया कार्यक्रम है जो हमने सिर्फ इस मकसद से लॉन्च किया है कि नारी सशक्तिकरण हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, और हम डिफरेंट सफल महिलाओं की कहानी उन्हीं के जुबानी सुनाएंगे जो कहीं न कहीं आपको प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे। अगर हम भारतीय समाज की बात करें, अगर भारतीय समाज में नारियों की स्थिति की बात करें, तो आज भी अगर बच्ची जन्म लेती है और वहां से नारी बनने तक जीवन के हर क्षेत्र में, हर पड़ाव पर समाज की मान्यता की आवश्यकता पड़ती है। एक तरह से समाज से सर्टिफिकेशन मिलती है, एक तरह से समाज उस पे मुहर लगाता है तो नारी आगे बढ़कर काम करती है। लेकिन अगर पेरेंट्स, अगर माता पिता, अगर अभिभावक अपनी बच्चियों की केयर करता है, भविष्य की चिंता रखता है, तो फिर ये जो बच्चियों की जिंदगी में पैमाने अलग अलग आते हैं समाज के, वो धराशायी हो जाते हैं, नारी सशक्तिकरण का वर्चस्व हो जाता है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। आइए बातों को जारी रखते हैं श्रीमती अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति के साथ। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर।
महिला के जीवन में कई स्टेज होती हैं। जी। जैसे अपने पेरेंट्स के घर में है, एजुकेशन हासिल किया, फिर एक दिन ऐसा आता है कि शादी करके वो दूसरे घर में जाती है। जी। तो जब आपकी शादी हुई तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चैलेंजेस आए होंगे, तो एजुकेशन कहाँ तक पहुँची आपकी? मैंने 12th तक तो पेरेंट्स, मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था तो अलग अलग शहरों में रह के मैंने पढ़ाई की। फिर 12th के बाद मैंने अलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है नैनी में, जो कि अब डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुका है, वहाँ से मैंने BSc होम इकोनॉमिक्स किया। उसके बाद मैंने MBA किया, स्पेशलाइजेशन HR में था। और मेरी माँ चाहती थी कि मैं कॉरपोरेट जॉब करूँ, बट मेरा बहुत मन उसकी तरफ नहीं था, तो फिर मैंने साथ में ही लॉ ज्वाइन कर लिया। मैं एजुकेशन की तरफ में पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, सो आई वॉन्टेड टू टेक इट एज अ प्रोफेशन कि मैं पढ़ाऊँगी, तो मैंने लॉ भी ज्वाइन कर लिया कि मतलब अगर मैं आगे प्रोफेसरशिप के लिए जाती हूँ या मैं प्राइवेट कॉलेजेस में जब अप्लाई करूँगी तो लॉ रहने से मेरा HR और लॉ दो का स्पेशलाइजेशन माना जाएगा, तो दैट वुड बी बेटर, तो लॉ भी कर लिया मैंने। फिर कुछ दिन बाद MPhil भी किया और दूसरा बच्चा भी मेरा हो गया, उसके बाद मैंने फिर PhD की। तो एजुकेशन तो रही, जीवन में रही, और शादी के बाद भी इसमें कोई बहुत रुकावट प्रैक्टिकली किसी ने दी हो ऐसा नहीं है। हाँ, PhD करने में मैंने MPhil के बाद काफ़ी समय इसलिए लगाया क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और जैसे मैंने आपको कहा कि पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चे को अपने से आगे रखना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए, पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि बच्चा बेहतर से बेहतर हो। तो वो समय मैंने चुना अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनकी तरबियत के लिए, तो मैंने अपने एजुकेशन को थोड़ा सा बैकसीट किया। वही सवाल मेरा अगला यही था कि जैसे आप शादी होकर गए, तो अक्सर होता है समाज में कि अगर आपने शादी कर ली तो अक्सर औरतें ही समझ लेती हैं कि अब तो हमारा जीवन समाप्त हो गया है, अब हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक जहन में रहता है कॉमन वुमेन के जहन में कि शादी हुई तो लाइफ का द एंड हो गया। शादी हो जाने के बाद लाइफ का द एंड बिल्कुल नहीं है। शादी एक और पायदान है, अगर आप नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी ट्रेनिंग होती है, उसमें भी एक आपको प्रोविजन पीरियड दिया जाता है, तो शादी का भी ट्रेनिंग और प्रोविजन पीरियड लीजिए, समय दीजिए उसे। मजबूत जगह, मजबूत रिश्ते तभी बनते हैं जब आप समय देते हैं। आप शादी करते ही उतावले होने लग जाएंगे कि हमें अपनी तरह से जीने को नहीं मिल रहा, हमें अपनी तरीके से सोने को नहीं मिल रहा, इस तरीके से जीवन नहीं चलता है। आपको जब भी किसी नई लड़की को शादी करने के बाद ये लगे कि मेरा जीवन खत्म है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि जब एक फौजी सेलेक्ट होकर जाता है तो जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो वो फक्र महसूस करता है कि ये ट्रेनिंग जब खत्म होगी तो आई विल बी अ बेटर पर्सन। शादी का पहला साल आप भी उसे वैसे ही दीजिए, वो लोग आपको नहीं जानते, आप उन्हें नहीं जानते, और अगर आप सही हैं और आपका निश्चय जो है वो दृढ़ है तो लोग सपोर्ट करते हैं, रास्ते निकलते हैं। थोड़ी तकलीफ हो सकती है बट रास्ते जरूर निकलेंगे। और रही बात मेरी अपनी पर्सनल, तो मुझे पढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए कभी भी किसी के भी तरफ से कोई रुकावट नहीं डाली गई, चाहे मेरे पेरेंट्स रहे हों, चाहे मेरे इन-लॉज रहे हों, और चाहे मेरे हस्बैंड रहे हों। आज जो शादियां नॉर्मली होती हैं, तो एजुकेशन से अगर रिलेटेड हम करें तो 10th 12th बच्चियों को कराते हैं, उसके बाद शादी कराते हैं। मकसद ये है कि हमारी बच्ची पढ़ी लिखी कहलाएं और शादी हो जाए। जी। तो लड़कियां उससे आगे करना चाहती हैं। जी। तो उस मुद्दे पे आप पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहती हैं? बच्चियों को बिल्कुल पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। आप हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ नहीं है, ऊपर वाला ना करे, कभी कोई बुरा वक्त आए तो बच्चा पढ़ा रहता है तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और अगर बुरा वक्त नहीं भी आया तो एजुकेशन जो कॉन्फिडेंस देती है वो कोई और चीज नहीं दे सकती। कितना भी आप मेकअप कर लीजिए, कितने भी डिजाइनर कपड़े खरीद लीजिए, पहन लीजिए, कितना भी अपने आप को अच्छे से ग्रूम कर लीजिए, पर शिक्षा जो आत्मविश्वास देती है वो आत्मविश्वास किसी भी और चीज से नहीं आता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि इतने सारे फिल्म स्टार्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, पर आप लोग खुद जब उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा स्टार है, पर वो पढ़ा लिखा भी बहुत है। वो अगर शिक्षित हैं, उस बात को महत्व दे रहे हैं, तो अपनी बेटियों की जिंदगी में क्यों उस महत्व को नकारने पे आमादा है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चियां ये कहती हैं कि, या आप लोगों को ये लगता है कि सिर्फ BA करा देने से या डिग्री दिला देने से, क्योंकि मैंने लोगों को कहते हुए सुना नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी, हम क्यों बिना मतलब में समय बर्बाद करें और पैसे बर्बाद करें। तो अब जो एजुकेशन सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे पास स्किल ट्रेनिंग भी है, आप उन्हें स्किल ट्रेनिंग कराइए। कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री ही दिलाइए, मगर बच्चा शिक्षित रहे, बेटी पढ़े और उसमें हुनर रहे, ये बहुत जरूरी है। कमाए या ना कमाए ये उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए,
मगर वो कमा ही नहीं सकती है, ये कभी नहीं होना चाहिए। भाई लाइफ बाय चांस है, लेकिन उसको जीने का तरीका बाय चॉइस जरूर हो सकता है, चाहे वो नर हो, नारी हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी के लिए। 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। कार्यक्रम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्रीमती अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति आजमगढ़। मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। बातें अभी जारी रहेंगी, बस आप जुड़े रहे हमारे साथ 90.4 हाफ लेमन रेडियो पे। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। भाई आजमगढ़ के हर कोने में अब बजेगी एक ही धुन, 90.4 हाफ लेमन, हाफ लेमन, ये चटपटा है। हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा है, हमें मुक्ति है। नारी को अबला ना समझे, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे। वंस अगेन वेलकम बैक टू 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति आजमगढ़। यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं नारी के संघर्ष और सफलता की कहानी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम ही है नारी संघर्ष और सफलता। कैसे एक नारी को समाज में अपने आप को साबित करने के लिए एक जंग के बराबर जिंदगी लड़नी पड़ती है, और कैसे उस युद्ध में, उस जंग में सफलता हासिल की जाती है, ये सुनेंगे उनकी जुबानी जिनकी अपनी एक संघर्ष की कहानी है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर बने रहिए हमारे साथ, प्रोग्राम नारी संघर्ष और सफलता। बात को आगे जारी रखते हैं। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। आजमगढ़ से पुराना नाता आपका जी, आजमगढ़ में दोबारा आई, वार्म वेलकम हुआ, बहुत अच्छा लगा। फिर आप जुड़ गए आकांक्षा समिति से। जी जी जी, वो तो वो बाय डिफॉल्ट था, क्योंकि जो जिलाधिकारी की पत्नी होती हैं वो आकांक्षा समिति की अध्यक्ष होती हैं, तो वो जिम्मेदारी मुझे लेनी ही थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आकांक्षा से जुड़ने के बाद? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हर तरीके के जिम्मेदारियां बहुत कुछ सिखाती हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उससे जो अच्छा मिल रहा है उसे हाईलाइट करें, या उससे जो बुरा मिल रहा है उसे हाईलाइट करें। तो आकांक्षा समिति के आप अध्यक्ष हैं, एक महिला हैं, फिर मौका भी है कि आप महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए उनके आप कदम उठा सकती हैं। कुछ ऐसा आपने आसपास में किया हो कुछ दिनों में? आकांक्षा समिति का जो गठन हुआ है उसे एज अ ब्रिज, एक पुल की तरह इस्तेमाल किया जाता है सरकार की वो योजनाएं जो महिला और बाल कल्याण के लिए होती हैं, जो आम लोगों तक पहुंचाने में सरकारी तंत्र को, बिकॉज महिलाएं हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसमें आकांक्षा समिति एक पुल का काम करती है। तो जो महिला स्वयं सहायता समूह डूडा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे बच्चियों के स्कूल्स हैं, जो सरकार की स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं हैं, उनके लिए हमारा दायित्व है कि हम एज मेंबर्स ऑफ आकांक्षा समिति काम करें। तो यहाँ आने के बाद हमने 2 मेले करवाए जिसमें महिला स्वयं सहायता समूह के ही मेंबर्स, तो उन महिलाओं को हमने पहले इकट्ठा किया और उनसे ये जानकारी ली कि वो क्या बनाती हैं, किस काम में उनकी रुचि है, और क्या प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिक सकते हैं, क्योंकि इन महिलाओं के पास हुनर तो है मगर ना तो संसाधन है और ना बाजार है। वो कैसे बनाएं उसको, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं, उसमें पैसा कहाँ से लगेगा, और वो उसे बेचें कहाँ, ये 2 दिक्कतें उनके पास बहुत बड़ी हैं। तो हुनर है पर उसका कुछ कर नहीं सकते, तो आकांक्षा समिति की ये जिम्मेदारी थी कि हम उन्हें रिसोर्स दें, उनको या तो रॉ मटेरियल लेके दें या उन्हें पैसे दें। तो वो हम MSME जो बैंक्स हैं उनके लोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को हमने खुद डोनेशंस से करवाया, कुछ लोगों को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस से हेल्प करा के, और फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स जो उनको अच्छे लगते थे, अच्छे मतलब जो वो कॉन्फिडेंट थी कि हम ये अच्छा बना लेते हैं, तो वो उन्होंने बनाए और उसके हमने 2 मेले लगाए। तो पहले मेले में हमें उतनी सफलता नहीं मिली, लोग आए क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे। दूसरा मेला हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे शहर में ये काम भी होता, हमारे शहर में महिलाएं इतना अच्छा भी कर सकती हैं। और इस मामले में मैं आपको, जब हमने पहला मेला किया तो मैं इस वाक्य को आपके साथ बांटना चाहूंगी कि एक महिला थी, छोटी सी रकम है 500 रुपए की, तो उसने कुछ कुशन कवर्स से ले थे,
तो हमने उसको 500 रुपए दिए, तो उसको देखती रही। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो बोली ये मेरी कमाई के पहले 500 रुपए हैं। मेरे ससुराल वाले कहते हैं तुम कर क्या सकती हो, कुछ तो आता नहीं, अब मैं घर जाके सबको दिखाऊंगी, देखो ये मेरी कमाई है। इस वक्त आप महिलाओं के लिए क्या संदेश दे सकती हैं? सबसे पहले तो आप अपने आप को कमजोर मत मानिए। ऊपर वाले ने हर किसी को कोई ना कोई हुनर देकर भेजा है, उसने अपने उस हुनर को या अपने उस इंटरेस्ट को पहचानिए, उसको बढ़ाइए और उसमें अपना समय दीजिए। पैसा या प्रसिद्धि या पहचान अपने आप आ जाएगी। जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं है उन महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए कि जो उनका अपना शौक है, उनकी अपनी पसंद है या जिसमें उनका जो वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं, वो खुद भी करें और ऐसी 2-4 महिलाओं को सपोर्ट करें जो आर्थिक रूप से उतनी सुदृढ़ नहीं है। और वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो अपनी मेहनत से अपने जो भी उनको पसंद है करना या जो उन्हें लगता है कि वो अच्छे से कर सकती हैं, अचार पापड़ बड़ी बनाना, जैसे हमारा एक महिला स्वयं सहायता समूह है जो सहजन के लड्डू बनाता है, सहजन का पाउडर बनता है उनके यहाँ, कैमोमाइल टी का कैमोमाइल वो लोग उगाती हैं वो बहने। और हमारे यहाँ एक महिला स्वयं सहायता समूह है जो गाय के गोबर के दिए बनाता है, कुछ हर्बल कलर्स बनाती हैं, स्टिचिंग के काम में काफी सारी महिलाएं लगी हुई हैं। और जैसे हमारा मुबारकपुर में हमारा ODOP में साड़ियां हैं, तो वो लोग उसमें भी कुछ महिलाएं हैं जो वीविंग के काम में लगी हैं। तो जो भी है उसको खुश होकर कीजिए और मेहनत करिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, अब उसे ढूंढना हमें पड़ेगा। हम बैठे बैठे सोचेंगे कि हमारी झोली में कुछ आ जाए तो कभी नहीं। बात तो सही है, बैठे बैठे कुछ नहीं होता, कुछ करें इसके लिए आगे बढ़ना ही पड़ता है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए है, ये कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है नारी संघर्ष और सफलता। सफलता तक पहुंचने के लिए नो डाउट बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़ते हैं, लेकिन कई बार होता है कि अगर आपने सही रास्ता सही समय पर चुन लिया तो संघर्ष कम और सफलताएं ज्यादा मिलती है। चलिए इसी पे बातें करते हैं श्रीमती अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति आजमगढ़ से। बने रहिएगा, बातें अभी और भी हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल, 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। जब किसी से कहनी हो दिल की बात, 90.4 हाफ लेमन देगा आपका साथ। 90.4 हाफ लेमन, हाफ लेमन, ये चटपटा है। हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति हैं। नारी को अबला ना समझें, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और बात दूर तलक जा रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि हमें एक बदलाव लाना है अपने समाज में। हमें जागरूक करना है उन पेरेंट्स को, उन बच्चियों को जिनका हक बनता है कि वो कुछ अपनी जिंदगी में अपनी चॉइस से करे। 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जिनकी कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुना रहे हैं, श्रीमती अंगिरा भारद्वाज, अध्यक्ष आकांक्षा समिति आजमगढ़। बने रहिए, बातें अभी जारी रहेंगी, और फिर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है वो भी हम बातें करेंगे 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। आप सुन रहे हैं एक नारी की संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। लौटते हैं आप पर फिर से। जी बिल्कुल। सुना है कि रेडियो में आपने बहुत वक्त गुजारा है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं जानना चाहता हूँ, और आज रेडियो पर बोलते हुए कैसा लग रहा है आपको? मैं लगभग 4 साल रेडियो जॉकी रही और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और इनफैक्ट मेरे कुछ खास दोस्त हैं, वो चढ़ाते भी हैं कि इसको बस बोलने को दे दो। तो चाहे मैं टीचर रही, चाहे मैं रेडियो जॉकी रही, और फिर मैंने लॉ किया, तो कभी कभी मुझसे लोगों ने कहा कि आप वकालत शुरू क्यों नहीं करती, तो शायद माँ सरस्वती का जो वाणी का वरदान है वो मुझ पर है कि बोलना मुझे पसंद है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सपीरियंस सर्टनली मेरे लिए रेडियो जॉकी का बहुत ही अच्छा रहा।
मैंने बहुत एंजॉय किया वो वक्त 4 साल का, बहुत अच्छा रहा। जितना आपने प्रोफेशन चुना सारे में बोलने का। जी जी बिल्कुल। तो अब चलते चलते हम एक मैसेज आपकी तरफ से फिर से चाहेंगे कि जितनी भी बच्चियां हैं स्पेशली जी, उनके लिए आप कुछ कहना चाहो, क्योंकि मुझे जरा फिक्र ज्यादा रहती है और विमेन एम्पावरमेंट पे जमाने से काम होता रहा है, तो आज भी हम नहीं रोकना चाहते, जितने लोग भी हमसे फायदा उठा सके, जितने भी हमारी बातों से उनको कुछ भी सपोर्ट मिल सके, तो उस स्टेज पे आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चियों को, हिम्मत दे लीजिए। बच्चियों से मैं यही कहना चाहूंगी जो मैंने कई और जगहों पर भी कहा है, पर आपके थ्रू मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती हूं और ये बात कह सकती हूं कि आपके 16 श्रृंगारों में सबसे पहला आपका आत्मविश्वास है, दूसरी आपकी आत्मनिर्भरता है और बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं। आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो विषम परिस्थितियों में भी आप अपने आप को संभाल सकती हैं, आप अच्छा कर सकती हैं। दूसरा आपका स्वावलंबन है, उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, तभी आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और ये चीज मैं फिर से कहना चाहूंगी कि ये स्त्री का अपना चुनाव होना चाहिए कि वो परिवार चुन रही है या नौकरी चुन रही है, लेकिन शिक्षा उसको हमेशा ऐसी मिलनी चाहिए कि वो जब चाहे तब उसका इकोनॉमिक रिटर्न ले सके। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत उम्मीद है आजमगढ़ आप हमारी बातों से फायदा जरूर उठाएंगे, खासकर बच्चियों से, उनके पेरेंट्स से हमारा कहना है कि हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है ये आपके लिए ही किया है, नारी संघर्ष और सफलता। हमारी कामना है कि आप संघर्ष करें न करें सफलता जरूर आप हासिल करें, और उसके लिए आधार जरूर बनाएं शिक्षा को। 90.4 हाफ लेवन रेडियो, ये चटपटा है। हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति हैं। नारी को अबला ना समझें, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेवन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे।